हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप ओबीसी कैटेगरी वालों को कितना स्कोर जो है लाना पड़ता है एआईबी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो है एआईबी 17 को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट है कि कब हमारे एग्ज़ाम की डेट जो है वो आएगी, कब हमारा एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा, कैसे हम एग्ज़ाम दे पाएंगे ऑनलाइन कि ऑफलाइन। तो बहुत सारे डाउट्स हैं। तो देखिए, अभी जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी ओपन नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने बहुत बार ट्राई किया है, वो ओपन ही नहीं हो रही है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की भी मैं ट्राई कर रही हूँ, वो भी जो है ओपन नहीं हो रही है। तो पता नहीं कुछ टेक्निकल इशू है या फिर उन्होंने कुछ किया हुआ, तो इसका हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे ही उनकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो आप लोगों को इस चीज़ को लेकर टेंशन नहीं होनी चाहिए। हम मानती हूँ वरीज होंगी कि एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा और किस क्या पैटर्न रहेगा। देखिए, सिलेबस तो उन्होंने अपना स्टार्टिंग में ही अपना बता दिया था कि ये टॉपिक्स यानी कि ये सब्जेक्ट्स जो आएंगे वो हमने अपने मतलब प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों को बताया था कि ज़्यादा वेटेज वाले सबसे पहले आप लोगों को प्रिपेयर करने, बाद में जो कम वेटेज वाले वो करने हैं। ठीक है, ठीके? तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, हाउ मच शुड एन ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट स्कोर इन एआईबी टू क्वालिफाई। कितनी मैक्सिमम कितना स्कोर होना चाहिए ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए कि वो क्वालिफाई कर पाए एग्ज़ाम को, एआईबी एग्ज़ाम को। तो देखिए, टेनेंटली द कैंडिडेट ऑफ ओबीसी कैटेगरी शुड स्कोर इन द रेंज 55-60% इन ऑर्डर टू क्वालिफाई द एआईबी। तो देखिए, यहाँ पर जो है गलत मेंशन किया हुआ है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जो हमारा एआईबी का एग्ज़ाम होता है उसके लिए हमें जो है 40% ही स्कोर करना होता है। ठीक है, और बाकी का यानी कि जो और अदर कैटेगरीज के कैंडिडेट्स होते हैं उनको जो थोड़ा सा मतलब इसमें कम होता है, बट जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए जो है 40% आप लोगों को स्कोर करना पड़ता है एआईबी एग्ज़ाम को पास करने के लिए। ठीक है, और ये तो आप लोगों को पता होगा, बेसिकली जो न्यू कैंडिडेट उनको मैं बता देती हूँ कि एग्ज़ाम पास करना क्यों ज़रूरी होता है, क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, सबसे पहले तो एग्ज़ाम कंडक्ट क्यों कराए जाते हैं, क्योंकि एआईबी जो एग्ज़ाम होता है वो बेसिकली आप लोगों की जो नॉलेज है ए लॉ को लेकर वो कितनी है, कितना आप लोगों को पता है इस फील्ड के बारे में, वो जो नॉलेज है वो आप लोगों की चेक की जाती है इस एग्ज़ाम के थ्रू। ठीक है, और दूसरी बात ये कि एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराया जाता है, तो ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाता है ओएमआर शीट पे, बट अभी जो है कुछ क्वेरीज हैं ऑनलाइन भी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जा सकता है, अटेंडेंस वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है, और टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले आप लोगों को स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट कराना होता है, उसके बाद जो आप लोगों का फर्दर प्रोसीजर स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर अगर आप अपना स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट करा लेते हो, उसके बाद आप लोगों का एआईबी एग्ज़ाम की अगर डेट आती है तो उसके लिए आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करनी होती है, एडमिट कार्ड आता है, फिर आप लोगों को एआईबी का एग्ज़ाम देना पड़ता है। और उसके बाद जो अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, यानी कि 40% मार्क्स से ज़्यादा 40% आप ले आते हो, तो आप लोगों को एक COP दिया जाता है, जिसको हम सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसके बगैर जो आप कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ये एआईबी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद, जो कि आप लोगों को दिया जाता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा वहाँ पर बुला करके। ठीक है, जैसे बाकी चीज़ें मिलती हैं स्टेज पर बुला करके, आप लोगों को भी ऐसे ही दिया जाता है। आप लोगों को फोटोज़ वगैरह होते हैं और प्रॉपर आप लोगों को ड्रेस कोड में जाना होते हैं, फिर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये मे बी 6-7 months या 5-6 months में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है उनके द्वारा। ठीक है, इतने टाइम्स में लग जाता है रिजल्ट वगैरह आने में। और हाँ, जब भी आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हो, तो उसमें आप लोगों को मिस्टेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप मिस्टेक कर दोगे तो फिर रिजल्ट नहीं निकलेगा, और रिजल्ट नहीं निकलेगा तो फिर इशू रहेगा, आप लोगों को ये समझ नहीं आएगी कि हम पास हैं फेल हैं क्या कुछ है। ठीक है, तो गाइस की ये था कि आप लोगों को सिर्फ 40% ही एग्ज़ाम में स्कोर करने होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करने होते हैं। ठीक है, तो गाइस होप सो आप लोगों का जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। वैसे बेसिक सा जो आज का हमारा क्वेश्चन था बेसिकली सबको पता होगा, बट फिर भी जो है बताना ज़रूरी था जो न्यू कैंडिडेट है जिनको नहीं पता होगा। ठीक है, होप सो आप लोगों की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों की वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल for more videos. Thank you for watching this video.